ट्वेंटी एट 2023 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और आज है नेशनल साइंस डे बेसिकली नेशनल साइंस डे एक इन्वेंशन के ऊपर रखा गया है जिसे कहते हैं रामन इफेक्ट और इसके ओरिजिनेटर थे मिस्टर सी वी रामन सर चंद्रशेखर वेंकट रामन सी वी रमन इंडिया के पहले साइंस के नोबल प्राइज़ विनर थे ड्यू टू द रामन इफेक्ट ऑनली तो बेसिकली सी वी रमन का जन्म सेवनटीन ऑफ दिसंबर नाइनटीन एटी एट में हुआ था और बचपन से ही वो एक प्रिकॉशियस चाइल्ड थे प्रिकॉशियस चाइल्ड मतलब कि वो बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और जिनकी ग्रास्पिंग पावर और लर्निंग पावर और थिंकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो तो एट द एज ऑफ एलवेंथ उन्होंने अपना किया एट द एज ऑफ थर्टीन उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया और एट द एज ऑफ सिक्सटी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया जिसमें कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था नाइनटीन ईयर्स की एज में उन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सर्विस को ज्वाइन किया और कुछ टाइम तक वो जॉब करते रहे बट उनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो कुछ नया करना चाहते थे फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एज अ पैलेट प्रोफेसर ज्वाइन किया पैलेट प्रोफेसर एक उपाधि है प्रोफेसर के लिए जो कि काफी हायर पोस्ट पे मानी जाती है तो एक बार किसी लेक्चर के लिए वो यूरोप के ट्रिप पे जा रहे थे जहां पर उनको समंदर का पानी और आसमान का पानी ब्लूश दिखाई दिया तो उनका काफी इंटरेस्ट था कि वट इज द रीजन बिहाइंड दिस ब्लूश लाइट तो उन्होंने वापस आके काफी सारी रिसर्च की काफी सारी एक्टिविटीज की तो नाइनटीन में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स को स्टार्ट किया जिसमें कि वो फिजिक्स के अपने सारे रिसर्च वर्क बताते रहते थे तो उसका जब सेकंड वर्जन इंडियन जर्नल ऑफ़ फिजिक्स का सेकेंड वर्जन आया उसमें उन्होंने इसी इफेक्ट को कि कैसे हमारा स्काई ब्लू और पानी ब्लू दिखाई देता है उसको एक्सप्लेन किया एंड द डेट वॉज ट्वेंटी फरवरी नाइनटीन ट्वेंटी एट तो इसी वजह से आज का दिन नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन सी वी रमन ने अपना रैमन इफ़ेक्ट को पब्लिश किया था जिसके बाद आने वाले टाइम में नाइनटीन थर्टी में उनको इसी वजह से नोबल प्राइज़ भी प्रोवाइड किया गया तो इंडिया से वो फर्स्ट फिजिसिस्ट थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला अगर मैं बेसिकली रामन इफेक्ट के बारे में बताऊँ तो रामन इफेक्ट इज अ फेनोना इन विच जो भी हमारे लाइट के पार्टिकल्स होते थे जब भी वो किसी मॉलिक्यूल से पास होते थे तो अपनी वेवलेंथ चेंज करते हैं आपका इसमें सिंपल एग्जाम्पल आप प्रिज्म के देख सकते हो जो प्रिज्म हमारे लाइट को स्कैटर करता है मीनस एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को मल्टीपल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रामन इफेक्ट तो इसी रामन इफेक्ट ने फिजिक्स साइंस और हर तरफ की दुनिया को बदल दी आज के टाइम पे हमारे जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं रामन इफेक्ट का एक ओरिजिन फैक्टर है तो आज है ट्वेंटी 20 फरवरी 2023 और आज है नेशनल साइंस डे इन द ऑनर ऑफ द इन्वेंशन डन बाय सर सीवी रमन तो आप भी आज नेशनल साइंस डे को इन्जॉय कीजिए फोकट के ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए